हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ विजुअल सिंह एंड सैमसंग S20 FE 5G में एक और नया अपडेट आ गया है। फ़ोन नवंबर ख़त्म हो रहा है और अभी ये अपडेट रिलीज़ हुआ है, तो मुझे लगा था शायद UI 5.0 का अपडेट आएगा डायरेक्टली, बट यहाँ पे इन्होंने जो है एक अपडेट दे दिया है छोटा सा। सो हैव ऑलरेडी अपडेटेड माई मोबाइल एंड यू कैन सी कि यहाँ पे UI वर्जन 4.1 ही है अभी भी, और सिक्योरिटी पैच अभी फ़िलहाल नवंबर 2022 का हो चुका है। अगर अपडेट आपको नहीं मिला तो आप सॉफ्टवेयर अपडेट में जाके मैनुअली चेक कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। और अगर हम देखेंगे इसका साइज़ तो ज़्यादा बड़ा अपडेट नहीं है, 208 MB का ये अपडेट है और इसमें लिखा है कि द डिवाइस इज़ प्रोटेक्टेड विद इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी। तो बेसिकली सिक्योरिटी पैच का अपडेट है और इसके बाद में आपको UI 5.0 का अपडेट जल्दी मिल जाएगा इन दिसंबर, और मे बी 10 या 15 तारीख तक के आसपास आपको मिलने वाला है। तो आफ्टर दिस अपडेट सेम बैटरी लाइफ आपको देखने को मिलेगी। तो मैंने पूरे दिन यूज़ किया इसको अपडेट करने के बाद में, और मेरे को 4 घंटे 27 मिनट के आसपास स्क्रीन टाइम देखने को मिला है। एंड फिलहाल ठंडी आ गई है तो कहीं से कहीं तक भी आपको कोई हीटिंग इश्यूज़ देखने को नहीं मिलेंगे इस फ़ोन में। इसके अलावा मैंने सोचा कि एयरटेल पे जो है 5G कंपैटिबिलिटी और चेक कर लेते हैं, तो फिलहाल पहले नहीं दिखाता था, लेकिन इस अपडेट के आने के बाद में आपको जो है 5G सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी दिखाने लगा है ये फ़ोन इन एयरटेल एप्लीकेशन। तो फिलहाल फ़ोन 5G रेडी हो चुका है, अगर आपके शहर में 5G आता है तो आप जो है उसको बेशक यूज़ कर सकते हो बड़ी आसानी से। कनेक्टिविटी के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, बिल्कुल स्टेबल अपडेट आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप चाहते हो अपडेट करना तो आप बेशक कर सकते हो अपडेट, एंड कहीं भी कोई भी जिटर्स या लैग देखने को नहीं मिलते हैं फ़ोन में। तो छोटा सा ये वीडियो था रिगार्डिंग दिस अपडेट। अगर आपको वीडियो पसंद आई और हेल्पफुल होती है तो लाइक और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल। आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे, टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।